हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मेरा नाम मोहित गुप्ता है और आपका हमारे यूट्यूब चैनल MG टेक्निकल में स्वागत है। तो सर, वीडियो शुरू करने से पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा लें, जिससे आपको हमारी आने वाली न्यू वीडियो मिलती रहे। तो आइए हम चलते हैं अपने वीडियो में चलते हैं। तो इस वीडियो में बताने वाले आपको हम पावर पॉइंट के बारे में, तो पावर पॉइंट के बारे में थोड़ी बेसिक इन्फॉर्मेशन दे देंगे और बाकी हम आपको एक छोटा सा प्रेजेंटेशन बना के दिखाते हैं। तो आइए हम चलते हैं अपने स्टार्ट में चलते हैं। पावर पॉइंट को ओपन के लिए सर्च पर जाकर पावर पॉइंट को मैंने टाइप कर लिया, यहाँ सर्च कर लिया। ये मेरा पावर पॉइंट ओपन हो गया है। ये देखिए, ये इस तरह कुछ विंडो होती है, स्टार्टिंग विंडो पावर पॉइंट की। फर्स्ट में आपको ब्लैंक पेज रहता है, उसके बाद आपको जो भी थीम चाहिए वो थीम सेलेक्ट कर सकते हैं या तो ब्लैंक पेज ले सकते हैं। चलिए हम शुरुआत से करते हैं। तो पहले ब्लैंक पेज को मैंने लिया, ब्लैंक पेज मिली है। ब्लैंक पेज ओपन पे आपको ये दो टेक्स्ट बॉक्स दिखाई देगा। उसके बाद आप नीचे आएंगे, क्या नाम है ये देखिए, नीचे आएंगे स्लाइड नंबर आ गया, आपकी बाकी चीज़ आ गई हैं। ऊपर ही आपके टैब दिए हुए हैं, होम टैब हो गया, इंसर्ट हो गया, डिजाइन हो गया, एनिमेशन वगैरह हो गया, स्लाइड्स हो, जितने मतलब टैब दिए हुए हैं। टैब के अंदर अलग अलग टूल्स दिए हुए हैं, ठीक। तो मुझे इसमें एक छोटा सा प्रेजेंटेशन बना दिखाना है कि पावर पॉइंट कैसे काम करता है। तो ये जो है बॉक्स को मैं डिलीट कर लेता हूँ, चाहे तो बनाने दीजिए, मैं डिलीट कर लेता हूँ। मैंने ये बॉक्स को डिलीट कर दिया है। आप इस पे चाहते हैं कि आप कलर करें या कोई थीम लगा दें, तो यहाँ से आप डिजाइन पर जाएंगे, डिजाइन टैब में, डिजाइन टैब में जाएगा। यहाँ देखिए अगर बहुत सारे दिए हैं डिजाइन, आप यहाँ से कोई डिजाइन को सिलेक्ट कर सकते हैं, जो आपको अच्छी लगे उस डिजाइन को आप सेलेक्ट कर सकते हैं। ओके, जैसे जो भी आपको पसंद आए, जैसे भी आपको अच्छी लगे आप डिजाइन को सेलेक्ट कर सकते हैं। ओके, तो मैंने इसको सेलेक्ट कर लिया, ठीक। यहाँ से इसको साइज घटा वो मदद कर सकते हैं, बढ़ा घटा सकते हैं, स्टैंडर्ड साइज कर सकते हैं, स्टैंडर्ड कर देंगे, स्टैंडर्ड साइज जाएगा, जैसे साइज करना चाहते हो वैसे साइज हो जाएगा। इसके बाद आप इसमें फॉन्ट को टैब डालना चाहते हैं कि आप किस तरह का बना के प्रेजेंटेशन बनाना चाहते हैं। तो मैं अपने ऐसे शॉप को प्रेजेंटेशन बनाना है, मुझे अपने नई शॉप खुली हुई है मोहित कार्ड्स एंड ग्राफिक, तो मैं उसका एक प्रेजेंटेशन जो बना दिखाता हूँ कैसे बनता है। तो मैं इंसर्ट टैब में गया हूँ, इंसर्ट टैब में जाने मुझे वर्ड आर को सिलेक्ट कर लेंगे। आप उसमें जो भी अच्छा लगे आप टेक्स्ट को ले सकते हैं, जैसे मैंने ये ले लिया। इसके बाद मैं शॉप का नाम डाल देंगे, जो भी मेरा शॉप का नाम है, जैसे नाम डाल दिए मैं मोहित कार्ड्स एंड ग्राफिक्स। ओके, ये मैंने इसको डाल दिया हुआ है और बाकी इसको अपने हिसाब से एडजस्टमेंट कर सकते हैं। ये आपको जैसे एडजस्ट जैसे चाहें वैसे आप एडजस्ट कर सकते हैं। ओके, तो ये अपने आप अपने अकॉर्डिंग इसको एडजस्ट कर लेंगे। तो ये मैंने एडजस्ट कर लिया हुआ है और नीचे एक टेक्स्ट बॉक्स और लेते हैं, इसमें मोबाइल नंबर जो भी डालना है डाल सकते हैं। यहाँ पे जाके आर्ट पे मोबाइल नंबर जो भी डालना है, एड्रेस मोबाइल जो डालना है वो आप डाल सकते हैं। यहाँ सेलेक्ट करके इसको आप नीचे टाइप कर लेंगे, यहाँ जो भी डालना हो एड्रेस डाल सकते हैं, एड्रेस डाल लेंगे जो भी आपका एड्रेस हो। मैंने एड्रेस डाल लिया है एंड मोबाइल नंबर को डाल देते हैं, जैसे कि मैंने मोबाइल नंबर को डाल लिया है, कुछ ऐसे ये इस तरह से डाल लिया हुआ है, ठीक। ये मेरा मोबाइल नंबर हो गया है, इसको थोड़ा छोटा कर लेते हैं हम। फ़ॉन्ट को यहाँ से छोटा कर सकते हैं, फ़ॉन्ट छोटा कर लेंगे, होम पे जाके फ़ॉन्ट साइज छोटा कर लेंगे अपने हिसाब से, जैसे आप जैसे चाहें वैसे आप फ़ॉन्ट को छोटा कर सकते हैं। तो ये हो गया मेरा मेन कवर हो गया, ये मेरा कवर हो गया। ओके, अब मुझे इसका नेक्स्ट पेज बनाना है। तो नई स्लाइड के लिए मुझे, आप चाहें तो ये होम टैब में जाके न्यू स्लाइड पर जा सकते हैं, या तो आप कंट्रोल एम करेंगे तो ये आपका न्यू टैब ओपन हो जाएगा। न्यू टैब ओपन हो गया है। इसके बाद आप यहाँ पे टाइटल डाल सकते हैं, मतलब कि किस चीज़ का टाइटल बनाना है। तो यहाँ मैं डाल देता हूँ जैसे कि प्रिंटिंग सर्विस,
प्रिंटिंग सर्विस, ओके। इसमें प्रिंटिंग सर्विस डाल दिया हुआ है। इसका फॉन्ट बड़ा कर लीजिए अपने हिसाब से, जैसे आप जैसे चाहें वैसे आप फॉन्ट बड़ा कर सकते हैं। ये मैंने डाल लिया है, थोड़ा बोल्ड कर दिया और कलर्स में डाल दिया, थोड़ा रेड कलर डाल दिया, ओके। अब यहाँ जो भी डालना चाहते हैं, स्टेप बाई स्टेप डालना चाहते हैं, जैसे यहाँ पे हाईलाइट हुआ है, देखिए यहाँ पे पिक्चर डाल सकते हैं, नेट से निकाल के उस पिक्चर डाल सकते हैं, वीडियो चाहे वीडियो भी डाल सकते हैं, मतलब जो अब जो भी चाहें उसमें ये अपलोड कर मतलब सेव कर सकते हैं, जो भी आपको लगाना चाहे लगा सकते हैं। तो मैं अपनी सर्विसेज डालता हूँ, मेरे पास मतलब क्या क्या हम यूज़ करते हैं। तो मान लीजिए जैसे कि हो गया विजिटिंग कार्ड, विजिटिंग कार्ड, तो जल्दी से मैं डाटा फिल कर लेता हूँ। कुछ आगे रखिए वो रखी चाहिए खोलो भाई, सुनिए अच्छा आ गया खाना। तो फ्रेंड्स देखिए मैंने इसको डाटा को फिल कर लिया हुआ है। अब जैसे कि मुझे इसमें एक लोगो लगाना है, जैसे कि यहाँ कोई लोगो लगाया थे हम इसे, तो यहाँ लोगो लगा सकते हैं। इंसर्ट पर जाएंगे, पिक्चर पर जाएंगे, आपको जो पिक्चर लगानी हो लगा सकते हैं, पिक्चर वगैरह आपको जो भी पिक्चर लगानी हो वो पिक्चर लगा सकते हैं, ओके। आप जो भी चाहें वो लगा सकते हैं, कोई वो नहीं है, आप लगाना चाहे जो भी लगाना चाहे जो वो लगा दीजिए, जैसे पिक्चर चाहे वही पिक्चर लगा सकते हैं। कंप्यूटर बढ़ा जैसे कंप्यूटर रिलेटेड कोई पिक्चर चाहिए कंप्यूटर रिलेटेड लगा सकते हैं। आप जैसे आपको जो अच्छी लगे आप अपने पिक लगा सकते हैं। जैसे मैंने सेलेक्ट किया ये आ गया, ओके। इसको मैंने छोटा कर लिया, ये छोटा हो गया, ओके। ये इस तरह से मैंने लगा लिया, इसे ये फ़ोटो लगा ली है, इसको बड़ा कर लेंगे, तो बड़ा करना से बड़ा कर लेंगे, ये मैंने इसको यहाँ से बड़ा कर लिया हुआ है, ओके। अब मुझे इसमें लगाना है एनिमेशन, लगाना है स्लाइड्स एनिमेशन। तो एनिमेशन के लिए क्या करना पड़ेगा, पहले अपने होम वाले पहले पेज पे जाएंगे, स्लाइड पे, उस पर आपको जो लगाना है लगा सकते हैं। जैसे कि आप डिज़ाइन पे गए, ये इस पर आप गए, टेंसर में गए, उस पर क्या आप जो भी लगाना चाहें उसमें यहाँ लगा सकते हैं, पहले आप जो भी देख लीजिए। इस तरह आपका फर्स्ट पेज कुछ इस तरह से व्यू होगा, जैसे आप जैसे जो लगाना चाहें इसमें आप जो अच्छा लगे आपको लगे अच्छा वो आप इसको लगा सकते हैं। यहाँ पे दिए बहुत सारे इसमें स्लाइड्स दिए हुए हैं, जो भी आपको फिलहाल अच्छा लगे आप वो लगा सकते हैं। जैसे कि ये हो गया है, देखिए जैसे ये मुझे अच्छा लगता है मैं इसको सेट कर दिया, ओके, इसको मैंने सेट कर दिया, ठीक। अब इसके बाद में टेक्स्ट में लगाना है, जैसे कि टेक्स्ट को सिलेक्ट कर लिया, इफेक्ट्स ऑप्शन पे गए, वो भी इफेक्ट लगा सकते हैं यहाँ पे। वैसे मुझे एनिमेशन लगाना है तो एनिमेशन पे गए, ऐड एनिमेशन जाएंगे, यहाँ के देखिए बहुत सारे आपको दे रहे हुए हैं, आप यहाँ से इफेक्ट्स जो भी इफेक्ट्स का है इफेक्ट्स सेलेक्ट कर सकते हैं। देखिए आपको व्यू भी करता रहेगा कि इसमें क्या है, ये क्या है, इस तरह क्या चीज़ है, ऐसे आता है, ये ऐसे है, तो इसमें आपको जो भी अच्छा लगे आप उसमें लगा सकते हैं, जो भी आपको सही लगे अच्छा लगे, आपको जो देखने में अच्छा लगे कि ये अच्छा लग रहा है देखने में, कि ये चाहिए, ये हो गया है, देखिए ये हो गया है, जो भी आपको अच्छा लगे वो आप लगा सकते हैं। तो ये देखिए ऐसे ये है, ये अगाउंड करता रहेगा, ये कुछ इस तरह से आए, ये कुछ इस तरह से है, देखिए ये आपको अच्छा लग रहा है मोहित वाला, इसको आप ओके कर लेंगे तो ये आपका सिलेक्ट हो जाएगा, ओके। इसी तरह से आप एड्रेस भी लगा सकते हैं, कुछ एनिमेशन जैसे कोई भी एनिमेशन चाहे कलर वाला कलर लगा सकते हैं, तो उसमें थोड़ा कलर में बॉक्स अलग हो जाएगा, थोड़ा दिखेगा अलग से। और बाकी आप सेकंड पेज में भी ऐसे लगा सकते हैं, जैसे आप जो इफेक्ट लगाना चाहें, यहाँ से देखिए यहाँ शो करता इतना जूमिंग का है, ऐसे मुझे जूम करना है, ये देखिए मेरा हो गया इस तरह से आएगा, और इसमें आप जो भी चाहें आप इफेक्ट्स अपने लगा सकते हैं। तो मैं इफेक्ट्स लगा लेता हूँ,
तो मैंने ये इफ़ेक्ट्स को कुछ लगा लिया इस तरह से। तो ऐसे इफ़ेक्ट्स लगा लेते हम हैं, आप मान लीजिए जो भी चाहे लगाना चाहे वो इफ़ेक्ट लगा सकते हैं। तो ये देखिए, इसमें से हमको जो अच्छा लगेगा इस तरह से ये हटता जाएगा। तो ये डाउन होता जाएगा, ये ऊपर जाएगा, ये इधर फ्लोट हो जाएगा, ये जाएगा घटेगा। इस तरह से लगाना चाहे इस तरह लगा देंगे, मतलब जो भी लगाना चाहें लगा सकते हैं। ये ने अच्छा लगाओ तो दूसरा लगा सकते हैं इफेक्ट। इसमें बहुत सारे इफेक्ट दिए गए हुए हैं, जैसे कि ये देखिए ये इफेक्ट हो गया है, मतलब ये आपको हर चीज़ को बोल्ड करके दिखाएगा। तो ये मैंने इफेक्ट लगा ली इसमें, और बाकी इफेक्ट इसमें लगाना, लोगों में लगाना है तो लोगों में आपको जो अच्छा लगे आप उसको लगा सकते हैं। जैसे कि ये हो गया है, थोड़ा हाईलाइट दिखाएगा आपको, ये देखिए ये थोड़ा हाईलाइट करेगा, ऐसे जाएगा, ये देखिए ये अच्छा लग रहा है आपको, हाईलाइट कर रहा है। ओके कर दिया, ओके कर दिया, ये आपका प्रेजेंटेशन हो गया तैयार। तो ये आपका प्रेजेंटेशन कुछ तरह तैयार हो गया हुआ है। आपको ये स्टार्ट करने के लिए आपको ये एनिमेशन भी जाएंगे, एनिमेशन पे ये आपको प्रीव्यू का ऑप्शन दे रहा है। प्रीव्यू पर जैसे आप क्लिक करेंगे ये आपका प्रीव्यू हो जाएगा। तो ये देखिए मैंने इसको प्रीव्यू किया, तो ये इस तरह कुछ प्रीव्यू हो गया हुआ है। इस तरह दिखाएगा आपको एनिमेशन कैसे चलता है। तो ये इस तरह से आपका एनिमेशन चल रहा है, तो देखिए पूरा आपको एनिमेशन दिखाते हैं किस तरह चलता है। तो ये कुछ इस तरह से काम कर रहा है। अगर आपको फुल में देखना है पेज में, तो एप प्रेस अपने कीबोर्ड से प्रेस करें F5, तो F5 प्रेस करें तो वो ये आपका फुल पेज में एनिमेशन शो करेगा। जिससे आपको देखिए ये देखिए कुछ तरह से आया है, सेकंड पेज आ गया, सेकंड पेज को उसने जूम किया पेंडिंग सर्विस को। बाकी आपकी जो सर्विसेज हैं वो आपको जूम कर कर दिखाएगा। ये देखिए आपको जूम एक एक चीज़ जूम करके दिखा रहा है, ये आपका एनिमेशन है। ओके, तो ये कुछ इस तरह से आपका एनिमेशन लगता हुआ है। ये आपका जो हमने पिक्चर लगाया पिक्चर को भी हाईलाइट करेंगे इस तरह से। तो इस तरह से आपका प्रेजेंटेशन तैयार होता है। इसी तरह आप अपने मतलब कि ऑफिस वर्क के लिए भी, या स्कूल में कुछ प्रोजेक्ट हो आपका वो शो का दिखाना हो, तो आप इस तरह से प्रेजेंटेशन को बना सकते हैं। और यदि आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बाकी लोगों के साथ भी शेयर करें। धन्यवाद।